हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टाइटल और थंबनेल से पहचान ही गए होंगे कि आई एम कोरोना पॉजिटिव। सो ये बात मुझे पता चली 3 मई को, क्योंकि 3 मई को मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे लगभग जिस दिन मैंने अपना लास्ट वेबिनार किया था उसके नेक्स्ट डे दोपहर को प्रॉब्लम हुई थी। मुझे ब्रीथिंग इशू हुआ था और उस ब्रीथिंग इशू को हमें लगा कि ये कोई गैस्ट्रिक या एसिडिटी बन रही है, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत है या फिर मुझे चक्कर आ रहे हैं या घबराहट हो रही है। तो मुझे वो फील हुआ तो सडनली घर पे ट्रीटमेंट हुआ। मामा जी और मेरा कज़िन आया घर पर, छोटा मोटा ट्रीटमेंट किया हमने। तो उस टाइम हमको लगा कि गैस्ट्रिक पेन है या फिर कोई प्रॉब्लम है ऐसी जो सॉल्व की जा सकती है आसानी से। तो हमने वही ट्रीटमेंट किया और लगभग 2-3 घंटे में मैं रिकवर भी हो गया था। उसके बाद एक रात मुझे फिर प्रॉब्लम हुई, फिर से ब्रीथिंग इशू हुआ। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में जो अभी पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि कोविड का कोई सिम्टम नहीं था। एक सिर्फ घबराहट होना, अभी ऐसे कोई खास सिम्टम नहीं था, क्योंकि ना फीवर था, ना कफ, ना कोल्ड, ना किसी और तरह की प्रॉब्लम, कुछ नहीं था। सिर्फ ये नॉर्मल सी बात थी। लेकिन ब्रीथिंग इशू है भी या नहीं, इस बात से भी मैं कंफर्म नहीं था। सो नेक्स्ट डे मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। सो जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हुई। मेरी ब्लड रिपोर्ट में आया कि मेरा TLC काउंट बहुत कम था, जो कि मिनिमम 4000 होता है, लेकिन वो 3000 था। प्लेटलेट काउंट लगभग 1,50,000 मिनिमम होता है और मेरा था 1,20,000। सो प्लेटलेट काउंट भी कम हो रहा था और मेरा TLC भी काउंट। प्लेटलेट काउंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी ज़्यादा कोई इशू नहीं, लेकिन अगर TLC काउंट कम होता है तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकता था। TLC काउंट कम होने से क्या होता है कि अगर TLC काउंट कम है तो आपके जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती हैं वो वाइट सेल्स करती हैं। सो अगर वाइट सेल्स ही कम होंगी तो ब्लड में ऑक्सीजन कितना प्रॉब्लम कर सकती है। तो ब्रीथिंग इश्यू जो हो रहा था वो मेरे TLC काउंट कम होने की वजह से हो रहा था। सो ये सब देखकर मुझे घबराहट तो होनी ही थी। मुझे कंफर्म नहीं था कि कोविड है या नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ें कंट्रोल करनी थी। तो मैंने फर्स्ट एड लिया और फटाफट मैंने कॉल किया अपने फादर इन लॉ को, और वहाँ से मेरा ब्रदर इन लॉ आए और हम सब लोग यहाँ मुरादाबाद आ गए और मैं क्वारंटीन भी हुआ। साथ ही मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। सो डॉक्टर ने तो देखा नहीं, क्योंकि इस समय पेशेंट्स को नहीं देख रहे डॉक्टर, लेकिन उन्होंने बात सुनी कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसके हिसाब से उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और मेडिसन्स दी। उसे लेने के बाद मुझे थोड़ा ठीक फील हुआ। लगभग 4 दिन हो चुके थे। सो 3 तारीख को जब मुझे थोड़ा सा हिम्मत आई कि मैं चल सकता हूँ, सांस लेने में कम दिक्कत है, तब मैं कोविड टेस्ट के लिए गया और मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया। तो वो रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव रही, जबकि मेरी फैमिली में सभी की निगेटिव रही। ये भी एक अच्छी बात थी। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई है। 3 ही तारीख को जिस दिन कोविड टेस्ट करवाया था उसी दिन से मेरे चेस्ट में पेन होना शुरू हुआ और साथ में मुझे खांसी की शिकायत आई। तो जब मुझे कफ ज़्यादा हो रहा था तो मुझे थोड़ी परेशानी लगी, जिसके बाद हमने CT स्कैन कराया तो पता चला कि जो लेफ़्ट वाला लंग है उसमें माइल्ड इन्फेक्शन हो चुका है। सो कोविड लेफ़्ट लंग पर काम करना शुरू कर चुका था, इसलिए मुझे ज़्यादा खांसी हो रही थी। घबराहट में आदमी भागता है। तो मैंने दूसरे डॉक्टर चेंज किया। दूसरा डॉक्टर चेंज करने से ये रहता है कि अगर आपको एक डॉक्टर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दूसरी नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है दूसरा डॉक्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो मैंने दूसरे डॉक्टर चेंज किया और वहाँ से मेडिसिंस मंगाई। सो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और अब जाकर आप देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि हाँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो आज मुझे क्वारंटीन का 7th डे है और ठीक ठीक फील हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग खो चुके हैं हम, काफ़ी यूट्यूब की टीम, मेरे यूट्यूबर्स 2 फ्रेंड खो चुके हैं, लेकिन हाँ, ये
इस समय आप लोगों के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा एग्जाम है, गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही है। आप कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े नेता हो या आप कोई भी हो, गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे रही है। आपको सिर्फ होम आइसोलेशन ही मिलेगा या फिर आप सिर्फ हॉस्पिटल्स के चक्कर काटेंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम 1 लाख रुपीज़ पर डे स्पेंड करने के लिए होने चाहिए। सो ये सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, घर पर रहें, सेफ रहें और आप लोगों से बातें होती रहेंगी। अब थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा सा तो एनर्जी आई है बॉडी में कि बैठ के बात की जा सके। सो वीडियो क्वालिटी मुझे पता है कम रहेगी, क्योंकि जब मैं आया था तो मैं कुछ नहीं लाया था, सिर्फ अपना व्लॉगिंग कैमरा उठा लाया था। फिलहाल इतना तो होगा कि आपको सब समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। अब हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और प्लीज़ सेफ रहिएगा, ध्यान रखिएगा और आपको मैं सारी चीज़ें अपडेट करता रहूँगा कोविड से जुड़ी। थैंक यू।